So hello everyone, and I welcome you all to Study Buddy Tuition. And when it's about study, it must be Study Buddy. देखिए सबसे बड़ी क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये रहती है कि डेरिवेशन आते हुए भी उन्हें ये नहीं पता रहता कि एग्जाम में किस तरीके से डेरिवेशंस करी जाती है या आएगी पूछी जाती है एग्जाम में। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट और इक्विटोरियल पॉइंट पे, तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास है, फर्स्ट हम एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पे दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, पी से हम डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए अपार्ट। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, है ना, इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है। और एक स्पेशल कंडीशन भी आपको है, हेंस शो दैट इन अ इन दी लिमिट एक्स टेंड्स टू ग्रेटर एक्स, अगर हमारे पास ग्रेटर देन ए अगर होगा तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि कितनी आपके पास हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बी, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस तरीके से हमने मान लिया कि माइनस क्यू है और इधर हमने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है, और दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू ए। जो भी डिस्टेंस हम यहां से कंसिडर करेंगे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो हम सेंटर से लेते हैं। तो अगर मैंने ये सेंटर पॉइंट यहां से ले लिया और इसी की एक्सिस लाइन की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास एक्सिस लाइन है, इस लाइन पर अगर मैं यहां पर आ गया इस पॉइंट पर, इसको पॉइंट को पी आप कह दो। अब यहां से ओ से इस डिस्टेंस का हमें एक्स दे रखा है, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, जो भी चीज लेनी है वो हमें सेंटर से लेनी है, ये चीज का ध्यान रखना है। हम इसको टू ए तभी हमने लिया ताकि कैलकुलेशन हमारे पास थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब डेरिवेशन करने का मैं आपको पहले स्टेप बता देता हूं, सो डेट कि हमें बाद में ज्यादा टेंशन रहे नहीं। सिंपल सा स्टेप है मेरा, मैं सिर्फ एक ही पॉलिसी फॉलो करता हूं, वो है रिन। रिन हमारे पास क्या है, देखिए आर सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, अगर ये जो आर शो कर रहा है, आर हमारे पास है रीच, जहां भी आपसे कोई चीज पूछे आप वहां पर पहुंच जाइए। बिना पहुंचे कैसे चीजों का पता कर पाएंगे, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नहीं आते आपको कैसे पता लगता कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, आई, आई हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल डेटा। अब निकालना स्टार्ट करिए, इंडिविजुअल डेटा आपको कितना दिखेगा, अगर आप इस पॉइंट पर आ गए हैं तो अगर आप यहां पर खड़े होकर देखेंगे कितने चार्जेस यहां पर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो चार्जेस, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यहां तक एक्स है और ये मेरे पास ए होगा, तो ये मेरे पास होगा एक्स माइनस ए, इतनी बात समझ पाए। और अगर मैं यहां से बोलूंगा कि यहां से माइनस क्यू से चार्ज मेरे पास कितना है डिस्टेंस, तो ये मेरे पास होगा एक्स प्लस ए। देखिए पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जो है वो दूर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है। तो अगर मेरे पास यहां पर मैं बात करूं इस प्लस चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस तरफ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूं ई क्यू प्लस। नेगेटिव चार्ज की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरफ जारी होगी, इसको मैं लिख सकता हूं ई क्यू माइनस। अच्छा वैल्यूज निकालनी है हमें, इनकी वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं। देखिए ई क्यू प्लस अगर मैं लिखना चाहूं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, के क्यू बाय आर। तो प्लस डिस्टेंस का यहां से अगर आप लेंगे तो ये कितना डिस्टेंस दूर है, एक्स माइनस ए। और आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जितना पास में है उतना हमारे पास, मतलब ये जितना डिनोमिनेटर मेरे पास छोटा रहेगा उतनी वैल्यू भी क्या होगी, मेरे पास बड़ी होगी। क्या ये बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, वही चीज हमने यहां रख दी, के क्यू चार्ज प्लस था, एक्स माइनस ए रखा है बिकॉज यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस ए। इंडिविजुअल डेटा भी निकाल रहे हैं। इसी तरह मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये लिखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये है ई क्यू प्लस। इसी तरह ई क्यू माइनस की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स, एक्स यहां पर है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये इंडिविजुअल डेटा आपके पास निकल गया, अब इंडिविजुअल डेटा का करेंगे क्या भैया, इसका नेट इफेक्ट हमें निकालना है, एन जो हमारे पास है वो है नेट इफेक्ट। अब देखो आपकी कैसे नेट इफेक्ट निकलता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड जा रही है हमारे पास। पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा पास में ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर देखेंगे आप बराबर बराबर है, ये न्यूमरेटर अगर मेरे डिनोमिनेटर अगर मेरे पास छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही होगी, ठीक है।
अब मुझे अगर नेट यहां पर चीजें निकालनी है, इसको मैं साइड में रख देता हूं, साइड में नहीं रखा जा रहा, चलिए कोई नहीं। यहीं पे अगर मैं ई नेट निकालना चाहूं, ई नेट, तो ई नेट हम निकाल सकते हैं ई क्यू प्लस जो मेरे पास है माइनस करके ई क्यू माइनस, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखिए अगर मैं डायरेक्शन यहां पे नहीं कंसीडर करता तो मैं यहां पे माइनस साइन को रख देता, मैंने यहां पे माइनस साइन ही रखा, बट मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, टूवर्ड्स लेफ्ट, इसको मैं कह सकता हूं टूवर्ड्स राइट, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि यहां पे टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट करके मैंने यहां पे इसको लिख दिया। अब देखिए मुझे पता है कि KQ हमारे पास कॉमन आ जाएगा, KQ को मैंने कॉमन ले लिया, ये मेरे पास है x, लिख ही देते हैं पूरा डेरिवेशन, ये मेरे पास है x माइनस a का होल स्क्वायर 1 माइनस x प्लस a का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अभी इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसे साइड में कर देते हैं, इसको हमने कर दिया साइड में। स्मार्ट टीचर से पढ़ रहे हैं तो स्मार्ट बोर्ड पे, तो आप यहां से ये काम तो कर ही सकते हैं। अब हमने यहां पर कह दिया कि हमारे पास ये डाइपोल आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अब यहां पर हमें जगह मिल गई है तो यहीं पर मैं इसको थोड़ा बहुत यहां पर कर देता हूं। देखिए फॉर्मूला मेरे पास है ए माइनस बी ए प्लस बी का, आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसको मैं यहां पर यूज कर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आएगा के क्यू, और इसकी अगर बात करेंगे तो मेरे पास रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है हमारे पास होल स्क्वायर, और ऊपर की अगर बात करेंगे तो ये आपके पास इसका होल स्क्वायर होगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स ए, इसको मैं देखिए माइनस साइन करके लिखूंगा, है ना, माइनस साइन करके मेरे पास आ रहा है, तो ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और यहां पर प्लस टू एक्स ए हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब ई नेट की अगर हम बात करें तो ई नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, ई नेट हम यहीं पर बात कर रहे हैं तो ई नेट हमारे पास हो जाएगा के क्यू, और ये जो है देखिए ये तो कट जाएगा हमारे पास माइनस माइनस से, ये हमारे पास आएगा 4xa, बट मैं 4xa ना लिख के मैं 2a यहां पर दे देता हूं, और जो मेरे पास 2 एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, बस इतना ही मेरे पास बचना था, 4xa आ रहा है आपके पास देखिए यहां पर, ठीक है, और एक्स को मैं यहां पर लिख देता हूं, और ये जो मेरे पास है इसको मैंने यहीं पर रहने दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये क्या है हमारे पास स्क्वायर, राइट। अब देखिए हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास होती है वो होती है क्यू डॉट टू ए, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू डॉट टू ए, चार्ज और डिस्टेंस जितना इनके पास रहता है, डायरेक्शन देखिए याद रखनी है आपको, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है डेट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। अब मैं अगर इसी को रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास जो ये ई नेट है ये मेरे पास आ जाएगा, देखिए ये वाला चीज मुझे रिप्लेस करनी है Q डॉट टू ए जो मेरे पास है, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा KP, ठीक है, इधर हम लिख देंगे KP, 2KP X डिवाइडेड बाय X स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो हमने निकाली है, अब ये जो स्पेशल केस दे रखा है अब इस स्पेशल केस को भी देखेंगे कि स्पेशल केस में क्या हमें स्पेशल करना है। स्पेशल केस में आपको दे रखा है कि x काफी बड़ा है, तो बस इस स्पेशल केस को देखो, अगर ये बहुत बहुत बड़ा है, आपके सामने कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप छोटे हो जाएंगे, इट्स ऑल अबाउट कंपेरिजन। मान लीजिए कि एक 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 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ अगर आपको मिल जाए, आपसे कोई कहे जी 1 रुपया मुझे दे दो, आप दे देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा यहां पर है x की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो सिर्फ हम x ही x को कंसीडर करेंगे, a को भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, तो आप देखिए ये मेरे पास सिर्फ ये बचेगा x की पावर 2, ठीक है। अब x की पावर 2 पे 2 है मेरे पास, तो x की पावर 4 हो जाएगा, यहां से कट जाएगा, तो मेरे पास ये जो ई नेट आ जाएगा, ई नेट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2kp, x कट जाएगा तो मेरे पास यहां पर हो जाएगा एक्स क्यूब, तो 2kp बाय x क्यूब हमारे पास आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आप याद करके रखेंगे। हुआ क्या है इस केस में, ये जो माइनस क्यू चार्ज था ये प्लस क्यू चार्ज था हमारे पास, अभी जो x गया है ना बहुत दूर चला गया, और बहुत दूर अगर चला गया तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो प्रोपोर्शनल रहती है क्यूब के। और इसके साथ साथ देखिए मैं यहां पर आपको ग्राफ भी बताता हूं कि किस तरीके से ग्राफ आपके पास चलेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का अगर हम ग्राफ बताएंगे तो हमारे पास इस तरीके से कुछ चलेगा, प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। और अगर मैं यहीं पे अगर ग्राफ बनाना चाहूं नॉर्मल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है तो वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, अगर क्यूब आपके पास आ रहा है तो थोड़ा सा और ज्यादा नीचे रहेगा। ये थी हमारे पास इसकी डेरिवेशन, कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना, और काफी अच्छी तरीके से इसको कर लीजिए आप, और मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यहां पर इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा।